हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सरबजीत आज आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम मसाला पाव बनाएंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने में। आप एक बार बनाओगे तो आपके मुंह से इसका टेस्ट नहीं जाएगा, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। तो आज हम तवे पे इसका मसाला बनाएंगे। तो तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया है और उसके अंदर 2 चम्मच ऑयल के डाल दिए हैं और 1 चम्मच जीरे का डाल दिया है। जीरे को हमने अच्छा रोस्ट कर लेना है। जब जीरा हमारा क्रैकल हो जाएगा अच्छी तरह, तब इसके अंदर हम 2 कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज आप इसके अंदर बिल्कुल बारीक कट करके डालिएगा और इसे अच्छी तरह भून लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा आपने इसको डार्क कलर नहीं देना है, बस थोड़ा सा कच्चापन जब इसका चला जाएगा तब तक हम इसे भून लेंगे। तो लगातार इसे चलाते हुए भूनेगा और हाई फ्लेम रखिएगा, फ्लेम यहाँ पर लो ना करें। यहाँ पर हम 1 चम्मच जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाल देते हैं, इससे जो टेस्ट है इसका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जो लोग गार्लिक नहीं खाते हैं वो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर की यहाँ पे प्यूरी ना डालें, यहाँ पे टमाटर को काट कर डालें, तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो टमाटर को हमने मैश होने तक पकाना है और बिल्कुल जब तक ये सॉफ्ट नहीं होते तब तक हम इसे इसी तरह पका लेंगे। अब इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्च काट कर डाल लेंगे। हरी मिर्च की जगह आप लाल मिर्ची का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च का टेस्ट अपना बहुत अच्छा होता है, तो इसे हम मैश कर लेंगे। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, मैशर से हम इसे अच्छी तरह मैश कर लेते हैं। जैसे पाव भाजी का मसाला बनाते हैं सेम हम उसी तरह बना रहे हैं। यहाँ पे आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी डाल लेंगे और 2 बड़े चम्मच भर के इसके अंदर पाव भाजी मसाला डालेंगे। पाव भाजी मसाला डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और जो जैसे पाव भाजी का टेस्ट आता है सेम वैसा ही यमी सा इसका टेस्ट आता है फिर मसाला डालने से। तो यहाँ पे 1/2 चम्मच लाल मिर्ची डाल लेंगे। लाल मिर्ची से इसका कलर काफ़ी अच्छा आ जाएगा, ये वाली जो कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है मैंने इसके अंदर। और यहाँ पे मोज़रेला चीज़ डालते हैं, 1/2 कप इसके अंदर मोज़रेला चीज़ का डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। चीज़ 100% ऑप्शनल है, अगर आप डालोगे तो इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा और इसको आपको पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट आएगा इसका। इसे आपने थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेना है, बहुत देर तक पकाएंगे नहीं तो चीज़ बिल्कुल सारा मेल्ट हो जाएगा यहीं पर। अब तवे पर इसे मसाला उतार लिया है और बटर या फिर घी डाल लीजिए। यहाँ पे मैंने देसी घी डाला है और यहाँ पे पाव लिए हैं। पाव के सेंटर में से कट कर लेंगे पाव को। पाव मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, लेकिन इसकी रेसिपी है वो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है अपने पेज पे, तो आप देख सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह दबा कर प्रेस करते हुए इसे थोड़ा सा सेक लेंगे, इसमें थोड़ा सा क्रिस्प ले आएंगे। उसके बाद इसे हमने इसको इसके ऊपर मसाला लगाना है। अब देखिए ये अच्छी तरह सीख चुके हैं, इसमें क्रिस्प आ गया है। अब जो मसाला हमने बनाया था वो मसाला इसके ऊपर 1-1 चम्मच लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं लगाना है, 1 ही चम्मच लगाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी स्पाइसी भी है, टैंगी भी है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। आप इस तरह 1 पीस के ऊपर मसाला लगाइए, थोड़ा सा ऊपर अनियन डाल लीजिए, यहाँ पर आप छोटे छोटे टुकड़े टमाटर के भी डाल सकते हैं, कोरिएंडर डाल लीजिए, यहाँ पर जिंजर भी काट कर डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस रहेगी। तो इसे कवर करेंगे और इसे अच्छी तरह दबा देंगे, दबाकर फिर थोड़ा सा सेक लेंगे। फ्लेम अभी मैंने मीडियम से लो किया हुआ है, तो इसको मीडियम से लो फ्लेम पे सेकेंगे और इसे अच्छा सा क्रिस्प आने तक पकाएंगे। अब देखिए ये एक साइड से हो चुके हैं, अब दूसरी साइड से भी हमने इसे कर लेना है। और आप देखिएगा, अगर आपने एक बार बनाया तो आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आने वाले हैं। इसमें एक थोड़ा सा और चेंज कर देंगे। अभी 1 पीस पर मैंने इस तरह सेब डाल दिए हैं, ये मेरे पास नाइलॉन सेब है, तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। तो लीजिए, हमारे सारे मसाला पाव बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही वंडरफुल ये रेसिपी है और अगर आपका कुछ भी चटपटा और टेस्टी सा खाने का मन करे तो आप इसे बनाकर रेडी कीजिए और ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है। आप मार्केट के जो फास्ट फूड्स होते हैं उसका टेस्ट भूल जाओगे अगर आपने इसे एक बार घर में बनाया, और हेल्दी है और आपके हाथों से बना है और इसमें सब्जियों की ऑप्शन आप कोई भी डाल सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा है आप अपने रिव्यू दीजिएगा, जिसने बनाया है उनको टेस्टी लगे हैं तो अपने कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।